हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लिकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बालोत्रा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन अर्लियर सेशन वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 7। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8, इन विच वी हैड ए रिलेशन बिटवीन द फेरेनहाइट एंड द सेल्सियस। वॉट आर द फेरेनहाइट एंड द सेल्सियस? दीज आर द टर्म्स विच डिफाइन फॉर द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए यूनिट है सेल्सियस एंड द फेरेनहाइट। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा, ठीक है, जो यूएसए और कैनेडा कंट्रीज हैं उनमें टेम्परेचर इज मेजर्ड इन दी फेरेनहाइट। ठीक है, फेरेनहाइट में वहाँ पे हमारा टेम्परेचर है वो मेजर्ड होता है। वेयर एज इन इंडिया इट मेजर्ड इन सेल्सियस। ठीक है, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इन द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड द इंडिया। इन यूएसए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय द यूनिट कॉल्ड फेरेनहाइट, एंड वेयर एज इन इंडिया टेम्परेचर इज मेजर बाय द सेल्सियस। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा में तो हमारी फेरेनहाइट यूनिट है, इंडिया में हमारी मेजरली यूज सेल्सियस डिग्री है। ठीक है, सेल्सियस यूनिट है। हियर इज द रिलेशन दैट कन्वर्ट एफ फेरेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फेरेनहाइट अगर यूनिट है उसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हियर इज ए रिलेशन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। वॉट इज द रिलेशन? डिग्री फेरेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, If we want to find the degree Celsius, then we should know the Fahrenheit. ठीक है, Fahrenheit कितना होगा? We should be known for finding the degree Celsius. If we want to find the degree Celsius or Fahrenheit, so one of the unit can be known to us. ठीक है, कोई एक यूनिट हमें है वो known होनी चाहिए. So what is the question? Question is the, in countries like USA and the Canada, the measurement of the temperature done by the Fahrenheit. ठीक है, Fahrenheit unit करके जो मेजरमेंट की यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो यूएसए और कनाडा में यूज होती है। देन इन कंट्रीज लाइक इंडिया वी यूज दी सेल्सियस। ठीक है, इंडिया में कौन सी यूनिट मेजर होती है? सेल्सियस, फॉर मेजरिंग दी टेम्परेचर। और फेरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को फेरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है। नाउ ये तो हो गई हमारे इन्फॉर्मेशन पार्ट। ठीक है, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। नाउ वॉट वी हैव टू फाइंड इन दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है? फर्स्ट पार्ट है इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन है उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड एफ एज ए वाई एक्सिस। जो डिग्री सेल्सियस है उसको हमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है और एफ को है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, क्वेश्चन आपने रीड कर ही लिया होगा और आप अंडरस्टैंड भी हो गए होंगे। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशन एस्टेब्लिश करनी है किसके बीच में? टू यूनिट्स के बीच में, विच इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। वन इज द फेरेनहाइट, अनदर वन इज द डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो हमें रिलेशन दे रखा है। नाउ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। क्या, कैसे ड्रॉ करना है? बाय यूजिंग द सेल्सियस रिप्रेजेंटेशन एट ए एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस फेरेनहाइट कैन बी रिप्रेजेंट। ठीक है, सेल्सियस तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, फेरेनहाइट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। सो हियर एक्स एंड वाई हमारा क्या है? दे रखा है। व्हाट शुड बी दी एक्स एंड व्हाट शुड बी दी वाई? देर मस्ट बी ए डिग्री सेल्सियस एंड दी फेरेनहाइट, ये दोनों ही एज्यूम होंगे। ठीक है, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो एक्स को हम डिग्री सेल्सियस और फेरेनहाइट कुछ भी यूज कर सकते थे और एफ को भी हम कुछ भी यूज करके हम ग्राफ को ड्रॉ करते थे। बट हियर गिवन दैट सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड एफ फॉर दी फेरेनहाइट फॉर दी वाई एक्सिस। सो वाई एज्यूम एज ए फेरेनहाइट एंड एक्स एज्यूम एज ए सेल्सियस। ठीक है, तो एक्स को हम क्या एज्यूम करेंगे? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, एंड वाई एज्यूम एज ए फेरेनहाइट। ठीक है, ये दो तो हमारे हो गए एजम्पशन। नाउ ये तो है हमारा ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सो प्रोसीड विद द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से प्रोसीड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रब कर देता हूं ताकि हमारे लिए स्पेस अवेलेबल हो। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए, वी हैड ए रिलेशन। क्या है हमारा रिलेशन? एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। एफ और सी को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? एक्स एंड वाई। सो वाई क्या होगा हमारा? इसको हम वाई इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32। ठीक है, ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल है हमारे एक्स एंड वाई, विच इज अननोन टू अस, बट वी हैड ए रिलेशन अमोंग एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में हमारा रिलेशन जरूर है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द एक्स एंड व्हाट इज द वाई। नाउ
ड्रॉ दी ग्राफ बाय यूजिंग दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये तो है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। हियर इज दी थर्ड क्वाड्रेंट एंड दी फोर्थ क्वाड्रेंट विच एस्टेब्लिश दी नेगेटिविटी ऑफ बोथ दी एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा, देन वाई इक्वल टू 9/5x + 32, ये हमारा रिलेशन है। नाउ फॉर ड्रॉइंग दी ग्राफ वी हैव टू टेक दी कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दी सॉल्यूशन ऑफ दी दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन है उसके हमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन वी कैन फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स वी कैन गेट दी पॉइंट्स, पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन बाय जॉइनिंग ऑल दी पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ दी लाइन विच रिप्रेजेंट दी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लेट्स टेक एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक्स एज्यूम एज 0 डिग्री सेल्सियस। सो वाई कितना आएगा हमारा, 9/5 × 0 + 32। सो फाइनली हमारे पास वाई आया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक्स इज दी डिग्री सेल्सियस एंड वाई इज दी 32 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फ़ारेनहाइट कितना आएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेक x इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। x को हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है इंडिया में, 5 डिग्री सेल्सियस। देन इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दी डिग्री सेल्सियस इंटू दी फ़ारेनहाइट, सो वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। तो हमारा y फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +32। सो फाइनली हमारे पास y कितना आएगा, 9 × 5, 5 × 5 कैंसल, देन 32 + 9 = 41, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने x और y को एज्यूम किया है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हियर y हमारा कितना आएगा, 32 ही आएगा। हियर यूनिट नहीं आएगी हमारे, यहाँ पे यूनिट नहीं आएगी, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी एज्यूम दी अबाउट दी x एंड y, ये हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है। फिर हम एक और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। लेट्स टेक x एज ए, कितना लेते हैं x, x कैन बी रिटन एज दी 10, 10 हम यूज करते हैं। सो y कितना आएगा हमारा, 9/5 × 10, 10 का कितना 2 times, देन 18 + 32। तो फाइनली हमारे पास y कितना आ गया, 18 + 32 = 50, ठीक है, 50 आ गया। 32 + 8 = 40 + 10 = 50। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, 0, 32, देन 5, 41, 10, 50, यही आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन है 0 और 32, फाइव डिफरेंस है 32, 41 और 50, हियर 0, 5 और 10। तो हम क्या करते हैं, 5, 5 के स्केल लेते हैं, 1 cm = 5 units है, ठीक है, वेदर इट इज डिग्री फ़ारेनहाइट और दी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को हमने क्या स्केलिंग ली है, 5 units। जो हमारा ग्राफ है उसमें जो 1 mass है जो 1/1 cm रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हमने क्या लिया है, 5/5 units स्केलिंग ली है, ठीक है। ये मिल गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दी कोऑर्डिनेट्स ऑन दी ग्राफ। मैक्सिमम कितना है, 5 और 10, देन हमारे यहाँ पे 50 है वाई पे, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, then 40, 45 and 50, ये आ गया हमारा। देखो हियर इज दी 5 और 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50। नाउ यहाँ पे देखो मैंने गैप ज़्यादा रखा है फॉर एनलार्जिंग, हमें ग्राफ को एनलार्ज करने के लिए ये ज़्यादा रखा है, बट एक्चुअल में ये क्या आएगा हमारा, इन दोनों के बीच का गैप है वो सेम होगा, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी एज्यूम दी सेम यूनिट, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस के लिए सेम यूनिट ही एज्यूम हुई है और ये सेम ही रहती है, कभी हम ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस के लिए अलग स्केल यूज करेंगे और वाई एक्सिस के लिए अलग एक्सिस यूज करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी ग्राफ। अब ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट टेक दी 0, 32, व्हेन एक्स इज दी 0, हाउ मच वाई, वाई इज दी 32, सो 32 इज दी हियर। देखो हियर इज दी 30, देन इट डिवाइडेड इंटू दी कितना, 5 parts में, 1, 2, 3, 4, 31 और 32। तो ये तो आ गया हमारा 32, एक कोऑर्डिनेट्स आ गया क्या, 0, 32। सो हियर इज दी 0, 32, कितना 0 और 0, 32, ये 0, 32, ये आ गया अपना ए कोऑर्डिनेट्स। देन सेकेंड इज दी 5, 41, 5 is the x and 41 represent on the y axis, तो ये तो आ गया हमारा 5
एंड 41, सो 40 एंड 41, ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट 0.32 एंड 5.41, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट्स के। देन थर्ड इज दी 10 एंड 50, कहाँ पे मिलेगा हमें ये पॉइंट्स 10 एंड 50, हियर इज दी 10.50 बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स वी कैन गेट दी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया हमारा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जॉइन दी पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स को जॉइन करवाएंगे हम, क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच रिप्रेजेंट दी रिलेशन, क्या रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू 9/5x+32, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये रिप्रेजेंट किसके थ्रू हो रहा है, इस लाइन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 8 क्वेश्चन का, जिसमें हमें क्या करना था, लीनियर इक्वेशन को यूज करके, इस रिलेशन को यूज करके हमें ग्राफ को ड्रॉ करना था, ड्रॉ द ग्राफ बाय यूजिंग द एबो रिलेशन, ठीक है, जिसमें हमारे एक्स एक्सिस पे तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये दोनों यूनिट थी, और इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इस रिलेशन को यूज करते हुए। नाउ सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारा इंडिया में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट यूनिट में वो टेम्परेचर कितना होगा। अब देखिए, वी हैड ए रिलेशन, अब रिलेशन क्या है हमारे पास, 9/5 डिग्री सेल्सियस+32, ठीक है, ये रिलेशन है 9/5 डिग्री सेल्सियस+32 विच इज इक्वल टू दी फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये रिलेशन है। नाउ इन दी सेकेंड पार्ट वी ऑलरेडी नोन दी डिग्री सेल्सियस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, नाउ बाय यूजिंग दी 30 डिग्री सेल्सियस वी हैव टू फाइंड दी फ़ारेनहाइट, हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, ठीक है, सो रिप्लेसिंग दी डिग्री सेल्सियस इन टू दी गिवन इन दी सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट में कितना दे रखा है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, देन रिप्लेस दी डिग्री सेल्सियस बाय दी 30, सो वी कैन इजिली गेट दी एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट को हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, हाउ वी विल फाइंड, बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, कितना आएगा, हियर इज दी 9 × 6, हाउ मच 9 × 6, इट इज दी 54+32, यही होगा हमारा, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 30/5 इज दी 6 times, 9 × 6 इज दी 54, देन वी हैव 32, तो हमारा जो डिग्री फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 and 8, 4+2 is 6, 5+3 is 8, 86, ठीक है, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, यही है हमारा, इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो सेकंड पार्ट इज दी फॉर फाइंडिंग दी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बाय यूजिंग दी डिग्री सेल्सियस, इस रिलेशन में हम डिग्री सेल्सियस की यूनिट टर्म्स जो दे रखी है 30 डिग्री वो हम रिप्लेस करेंगे, फिर वी कैन इजीली गेट दी डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। देन थर्ड पार्ट, इफ डिग्री फ़ारेनहाइट इज दी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फाइंड दी डिग्री सेल्सियस, अब हमें फ़ारेनहाइट दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है, सेल्सियस फाइंड करना है, सो हाउ विल इट गेट, बाय रिप्लेसिंग दी एफ बाय दी 95, ठीक है, 95 से रिप्लेस करेंगे, देन वी हैव 9/5 and C+32, यही होगा हमारा, देन 32 को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, विच इज इन दी नेगेटिव आ जाएगा, देन 95 - 32 is 3 and 6, 63 आएगा, ये आ गया हमारा -32 + 95 = 9/5 C, यही आएगा हमारा रिलेशन, हियर इज द रिलेशन 95 - 32 is 63 = 9/5 C, नाउ 63 क्या है हमारे पास, 63 × 5/9, 63 × 5 विच इज डिवाइड बाय दी 9, हाउ मच विल इट गेट, अब कितना आएगा हमारे पास, देखो 63 × 5 and 9, 963 डिवाइड बाय दी 9 विच इज दी 7 times, एंड फाइनली वी हैव दी 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस ही आएगा हमारा, कब आएगा, जब फ़ारेनहाइट हमारा कितना है 95 डिग्री। नाउ प्रोसीड विद दी फोर्थ सेक्शन, नेक्स्ट वी हैव दी फोर्थ पार्ट, इफ टेम्परेचर इज दी 0 डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा 0, फाइंड दी डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट वन वी हैव डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड दी डिग्री सेल्सियस, बेसिकली क्या दे रखा है हमारा जो ये रिलेशन है f इक्वल टू 9/5 C+32,
इसमें दे रखा है फोर्थ पार्ट, ये कह रहा है कि जब आपका जो फ़ारेनहाइट है वो जीरो हो तो डिग्री सेल्सियस में वो कितनी यूनिट होगी, और जब डिग्री सेल्सियस हमारा जीरो हो तो वो फ़ारेनहाइट हमारा कितना यूनिट होगा। सो इनिशियली टेकिंग दी सी इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज दी एफ, एफ विल बी दी 32, ठीक है। और जब एफ हमारा जीरो आएगा देन क्या होगा हमारा सी, देखो इसको रिप्लेस करते हैं, जीरो माइनस 32 इंटू 5 बाय 9 कितना आएगा हमारा, माइनस 32 इंटू 5 बाय 9 कैसे आया, जब एफ हमारा जीरो है, ठीक है, इफ टेम्परेचर इक्वल टू, जब डिग्री सेल्सियस है वो जीरो है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, सी इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा 32 होगा फ़ारेनहाइट, देन इफ फ़ारेनहाइट इज द जीरो देन 9 बाय 5 सी 32 माइनस 32 इंटू 5 बाय 9, ठीक है, कितना आएगा ये देखो 10 0 15 एंड 16 ये आया, फिर 160 बाय 9 तो ये आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में। देन फिफ्थ सेक्शन वी हैव इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड दी डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, कैसा कोई टेम्परेचर है जिसमें हमारे न्यूमेरिकली सेम हो डिग्री सेल्सियस और दी डिग्री फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट वी हैव दी फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज दी फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली दी सेम इन बोथ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमें पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल टेम्परेचर है क्या जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है वो डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। सो हमें कंडीशन दे रखी है जीरो फ़ारेनहाइट, जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कितना है हमारा डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे एफ इक्वल टू सी से, ठीक है, तो एफ कितना होगा हमारे 9 बाय 5 सी प्लस 32, सी को इधर रिप्लेस करेंगे हम, एफ माइनस 9 बाय 5 एफ इक्वल टू 32, सी हमारा क्या एफ के इक्वल है, सो रिप्लेस दी सी बाय एफ, देन शिफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड 9 बाय 5 एफ इक्वल टू 32 एफ माइनस, फिर नाउ वी हैव टू टेक दी एलसीएम, एलसीएम लिया फिर 5f माइनस 9f विच इज इक्वल टू 32, 5f माइनस 9f इज दी 4f, कितना आएगा हमारा 4f बाय 5 तो हमारा ही है, हियर इज दी 32, देन 4f इक्वल टू 32 इंटू 5, फाइनली हमारे पास f कितना आया 32 इंटू 5 बाय 4, नाउ f कितना आएगा हमारे पास 8 इंटू 5 यही आएगा, पर ये हमारा क्या है नेगेटिव टर्म्स में, बिकॉज हियर डोमिनेंट हमारा कौन सा है माइनस 9, हियर इज माइनस 9 सो माइनस 4f माइनस, देन माइनस रिप्लेस इज हियर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा माइनस 32 बाय 4 8 इंटू 5 विच इज दी 40, कितना आया f हमारा माइनस 40 डिग्री f, ठीक है। तो f माइनस 40 डिग्री हो या c 40 डिग्री हो दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमारी इक्वल आएगी, चेक करते हैं f इक्वल टू 9 बाय 5 इंटू 40, ठीक है, प्लस 32 प्लस कितना है हमारा 32, अब ये हो गया हमारा 8 times हुआ, ये कितना वैल्यू हमारा नेगेटिव की, नेगेटिव है माइनस 40 माइनस 40 देन 8 into 9 इज दी 64 आएगा, 8 into 9 80 माइनस 8 इज 72 कितना आएगा 72, 9 into 8 इज दी माइनस 72 प्लस 32, फिर इसमें हमारा रिमेनिंग कितना होगा 32 माइनस 72, डोमिनेंट जो है वो कौन सा है माइनस 72, सो माइनस 40 इज दी फाइनल आंसर। सो देखो डिग्री सेल्सियस में 40 पुट किया तो भी हमारा फ़ारेनहाइट सेम आ रहा है, और फ़ारेनहाइट को 40 शिफ्ट किया तो भी हमारा डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है 40 आ रहा है। सो फिफ्थ सेक्शन क्या था, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली दी सेम इन बोथ, कितना होगा यहाँ पे हमारा आंसर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और दी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी किसी टेम्परेचर पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद दी नेक्स्ट सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।